तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब आप बनाते हैं अभी न्यू व्लॉग। तो इसमें हम आपको दिखाएंगे, आपने बहुत सुना होगा सस्सी पुन्नू हीर रंजन, उसके दास्तान तो बहुत सुने होंगे, लेकिन उसकी नकली तस्वीरें बनी हुई हैं। तो हम अभी अंदर जाते हैं, आपको दिखाते हैं। तो अंदर जाने का रास्ता देखिए, माशाल्लाह खूबसूरत। और ये भी देखिए, ये ठीक करके मिट्टी के थाव बने हुए बर्तन, माशाल्लाह खूबसूरत बने हुए मिट्टी के बर्तन, आप देख सकते हैं। देखिए तो ये अंदर जाने का रास्ता है, तो अभी हम जाएंगे, बच्चे निकालेंगे। अंकल बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। टिकट देना कितने का है? 20 रुपये। ये अभी हम अंकल का टिकट लेते हैं, ये 10 रुपये का है। एक देना अंकल, ले लीजिए। हम यहाँ टिकट ले, अभी हम टिकट लेके अंदर जाएंगे। बस हमने टिकट लिया है, अभी देखो नॉर्मल करते हैं। ये देखिए तस्वीरें लगी हुई है, यह तस्वीर लगी हुई है। और इस तरफ देखिए पौधे भी है, बहुत अच्छे पार्क बने हुए हैं। देखिए जाए तो ये देखिए रिसाले पड़े हुए हैं, देख सकते हो यहाँ रिसाले किताब पड़े हुए हैं जी। देखिए अब देख सकते हैं, ये भाई बैठे हुए हैं, इनसे हाल चाल पूछ लेते हैं तरीके से। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? तभी ठीक है, कैसे हो? और कभी शभी ठीक है? आज आपका दिन कैसे गुजर रहा है? अच्छा गुजर रहा है? तो अंकल नाराज़ है, पता नहीं क्या हो गया, वो अपने काम में बिजी है। तो अंकल नाराज़ नहीं होना, इंशाल्लाह हम अंदर जाते हैं, देखते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखा। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए पार्क है, पार्क है, ये देखिए शाह ये पार्क है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ भाई पौधों को पानी दे रहा है। देखिए बहुत अच्छे पौधे बने हुए हैं, देखिए माशाल्लाह खूबसूरत बने हुए हैं। देखिए देखिए देखिए, अस्सलाम वालेकुम चाचू, ठीक हो? तबीयत ठीक है यार? तो ये देखिए अब अंकल से पूछते हैं, ये क्या करता है यहाँ, कुछ नहीं करता है, कब आता है कब जाता है? हाँ अंकल ठीक हो? तभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैर। अच्छा अब यहाँ कब से आए हो? मैं 2014 से। अच्छा माशाल्लाह बहुत टाइम हो गया है। यहाँ आप क्या काम है आपका? मेरा काम है तो वैसे जूनियर क्लर्क का। अच्छा माशाल्लाह, पर हम इधर की खिदमत से जा रहे हैं। अच्छा सही है। अभी आपको कहा यही काम है कि पौधों को पानी देना, सफाई सुथराई, इधर उधर ख्याल रखना हर चीज़ का। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सही। तो देखिए भाई साहब ने इंटरव्यू दिया, वो ना होकर भी मेहनत हुई, मेहनत का फल मीठा हमेशा होता है। तो आप कितना भी कमज़ोर हो चाहे क्यों भी, थोड़ी मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए, थोड़ी थोड़ी मेहनत लाजमी करें, मेहनत के सवाल कुछ भी नहीं हासिल होता है। देखो जैसे काजी अजम था, उसने भी इतनी मेहनत की, तो आज हमें पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो आज हम आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं इंशाल्लाह। तो हम अब अंदर की तरफ जाते हैं, इंशाल्लाह दिखाते हैं वो जो हम आप बता रहे थे सस्सी पुन्नू और हीर रंजन के आप दास्तान सुने होंगे, तो आज हम फिर उनकी नकली तस्वीरें दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह अंदर जाते हैं, आपको दिखाएंगे। ओके गाइस, हमने आपको जो बताया था कि हम जो आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं, तो अंदर जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं, दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखें ये सामने है,
ये ऊपर तो शीशा लगा हुआ है इसलिए सही नज़र नहीं आ रही है। ये तस्वीर किसकी है बताते हैं, देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है ससोई पुनो, ये ससोई पुनो की तस्वीर है। अच्छी बनी हुई है माशाल्लाह। अभी हम देखते हैं ये किसकी बनी है, इसका तो नाम ही नहीं लिखा। देखो ये लेटी हुई है और ये नीचे जो मटका हुआ है ये टूटा हुआ है, देख सकते हैं सही नहीं नज़र आ रहे हैं क्योंकि लाइट चली गई है। मैं देखिए और कुछ इस तरफ भी है, ये देखिए गाइस, ये देखिए भाई ये किसका बना है, ये नूरी जान तमाशी तो आपने सुना ही होगा, तो ये उसकी है। आपको दिखाते हैं दोबारा, देखिए भाई माशाल्लाह अच्छी बनी है। और देखिए ये देखिए ये इसके पांव पकड़ रही है, पता नहीं क्या कर रही है। ये देखिए सही अच्छी बनी हुई है। ये कौन है, ये मुँह मल रहा हूँ मैं भाई, देखिए। तो हमारी यही कोशिश है कि देखो ये भी माशाल्लाह आपने बहुत किस्से इनके बारे में सुने होंगे। ये बाजा पड़ा हुआ है अंदर, तो अभी हम यहाँ जाते हैं। ये उमर मार भी है, देखिए भाई ये उमर मार भी है, देखिए भाई उमर मार भी है कि बिल्कुल ऐसे ही बना। हमने तो नहीं देखे थे लेकिन अभी भाई इनकी तस्वीर बना के जो उन्होंने किया था वो देखो, ये देखो नीचे जेड़ भी पड़े हुए हैं, देखिए भाई इनके बारे में हमें चाहिए। ये जो कलाम गाते हैं उनसे ही पता चला, जो किताब लिखे हुए हैं पढ़े हुए हैं उनमें जो लिखा हुआ उनसे ही हमको पता चलता है। देखिए गाइस देखिए देखिए ये लाइट चली गई है ऊपर से शीशा लगा इसलिए सही नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए यहाँ दिखा सकते हैं, ये एक नीचे यहाँ पौधे के नीचे करीब हो आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, लाइट होती तो अच्छे नज़र आते हैं। तो एक यहाँ भी है, यहाँ भी हमको आप दिखा सकते हैं, आइए देखिए 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 आइए देख सकते हैं आप बिल्कुल सही है। देखिए ये पता नहीं कौन है, ये सुरका पाती है, ये देखिए भाई देखिए ये देखिए भाई शीशा है और ऊपर तो लाइट भी चली गई है तो इसलिए नहीं नज़र आ रहा है। ये देखिए ये यहाँ भी बैठी हुई है, ये तो मुझको लगता है ये किसी एक किताब में भी ये लिखा हुआ है। तो रहे वो माशाल्लाह, ये देखिए नवाबजादे यहाँ बैठे हुए, देखिए 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 ओ ये देखिए मूछें, देखिए कितनी बड़ी मूछें हैं भाई, मारोगे तो नहीं ना। देखो ऊपर थे ये सोरठ है, देखिए ओ भाई आप हमने आपको दिखाया, दोबारा भी दिखा के चलते हैं इंशाल्लाह। हमारी यही कोशिश है, देखो आज हमने जो चीज़ें दिखाई इंशाल्लाह इससे और भी अच्छे लगाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें, इंशाल्लाह आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पहले तो अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो इनसे कुछ पूछते हैं, देखते हैं साफ नहीं आ रहा है इसको छोड़ देते हैं। तो हम आपको दोबारा दिखा देंगे, देखिए देखिए और ये भी देखिए सरफ वो लांचे
जैसे कि पानी में खड़ी होती है ऐसे ही सेम टू सेम, सेम टू सेम। वाह देखो ना कैसे जेरे असली है, नकली बना के जेरे असली बैठे हुए हैं। देखिए देख सकते हैं, देखिए भाई देखिए, ये इसलिए शाह अब्दुल लतीफ़, ये जो जगह है शाह अब्दुल लतीफ़ पे हैं जी। ये देखो ये जो तस्वीरें बनी हुई हैं, ये शाह अब्दुल लतीफ़ की दरगाह के, ये वो दरगाह रोड के इस तरफ से, ये इस तरफ है। देखिए भाई माशाल्लाह खूबसूरत बनी हुई है। देखिए देखिए देखिए, उस तरफ लाइट चली गई तो अंधेरा छा गया था। ये देखिए इसका जो पल्लू है, दो पट्टा है, देखें कांटों में फंस गया है। ये देखें भाई नीचे देखें, कांटों में फंसा हुआ है। देखिए देखिए अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत बने हुए हैं। देखिए सब देखिए देखिए माशाल्लाह खूबसूरत है। हमारी यही कोशिश है कि हमको जो भी अच्छी चीज़ देखने में आए तो हम अपने भाइयों को दिखाएं, और जो घर बैठे हैं कोई कहीं मजदूर है, कहीं मजबूर हैं, कहीं दूर है, यहाँ पहुँच नहीं सकते, तो हमारी यही कोशिश है तो हम इनको दिखाएँ। देखो देखो ये कैसे इसका मटका टूटा हुआ है और कैसे लेटी हुई है, देख सकते हैं। इनका नाम तो नहीं लिखा हुआ, जब हम आपको इनका नाम बता देते तो इसका नाम ये है। देखिए भाई साहब देखिए, नाइट होती तो और भी अच्छा लगता इंशाल्लाह। अभी हम बहुत से सारे लोग आ रहे हैं, अभी अंदर रखा गया है तो अब हम बाहर जाते हैं। हमारा सामान खराब है तो हम इसको उठा के हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। देखिए इंशाल्लाह हमारे साथ रहना, सब्सक्राइब करना भी और उसको लाइक करना चाहिए। हम अच्छे अच्छे हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। खूबसूरत नज़ारा है, देख सकते हैं, देख सकते हैं भाई देख सकते हैं। ये बाहर का रास्ता है, मौसम भी बहुत ऊपर से अच्छा लगा हुआ है, और हमको भी अभी ये व्लॉग बना के इंशाल्लाह हमको भी हैदराबाद जाना है इंशाल्लाह। देखिए भाई साहब खूबसूरत है, बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बने हुए हैं यहाँ दरख्त भी, और इनकी कटाई भी अच्छी बनी हुई है इंशाल्लाह। देखिए और उस तरफ लगता है मस्जिद है, पता नहीं अच्छी तरह देखने में तो नहीं आ रही, तो देखिए ऐसा। तो इंशाल्लाह इसी वे लोग वो यहीं पर करते हैं एंड, हमारे साथ रहना इंशाल्लाह, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करना, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, खुदा हाफिज़। आपके साथ है मौसम।